वेलकम बैक टू शरार एकेडमी। सेम हम एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, बेसिकली मतलब डेरिवेटिव्स का कहाँ कहाँ पे हम लोगों को फायदा होता है। तो एक और टॉपिक है हमारे पास जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल का मतलब से फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई भी कर्व देता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल ये कर्व है, तो व्हाट इज अ टेंजेंट, तो अगर इस पॉइंट को टच करने वाली एक लाइन मुझे चाहिए तो मैं उसको बोलता हूँ टेंजेंट। एंड व्हाट इज नॉर्मल, इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट। तो हम लोग कोई भी कर्व हो, आप जनरली एक नॉर्मल सर्कल भी ड्रॉ करते हो, अगर कोई भी शिफ्टेड सर्कल है तो शिफ्टेड सर्कल को भी आप टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। जनरली सर्कल के नॉर्मल्स हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से जाते हैं, तो टेंजेंट और नॉर्मल हम लोग हर पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब लॉजिक ऐसा होता है कि व्हाट इज रादर हाउ डू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। नाउ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढने के, तो एक होता है शायद आपको पता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, जैसे y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो स्लोप पता है और x1 y1 पॉइंट पता है तो आई कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। नाउ पॉइंट तो हमें वैसे भी दिया जाता है कि इस पॉइंट पे ढूंढो, तो बस मुझे कोई तो स्लोप दे दो और मैं आपको लाइन का इक्वेशन दे दूंगा टेंजेंट के। तो वही स्लोप होता है m इज नथिंग बट डेरिवेटिव dy by dx, जैसे मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से सिखाया था फर्स्ट लेक्चर डिफरेंशिएशन के, कि कैसे सिखाया था मैंने आपको याद होगा तो, ये अगर ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट ए प्लस एच है, तो ये f ऑफ ए प्लस एच, ये f ऑफ ए, अब मैं वापस बार बार नहीं दिखाने वाला हूं ये, तो f ऑफ ए प्लस एच माइनस f ऑफ ए अपॉन एच, ये होता है f डैश, मतलब स्लोप, यही तो स्लोप होता है हमारा एग्जैक्टली। तो हम लोग स्लोप मिल जाएगा और हम लोग को पॉइंट दिया जाएगा, तो हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट निकाल देंगे। एंड ऑनेस्टली अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप पता है तो कैन यू फाइंड नॉर्मल का स्लोप, बहुत आसान है। कोई अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप दे रहा है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, तो नॉर्मल का स्लोप रहेगा माइनस वन अपॉन एम, वाई सो, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। आपको पता है इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज माइनस वन, तो इफ वन स्लोप इज m देन अनदर लाइन स्लोप इज माइनस वन बाय m, तो एक बार ये हो गया तो आई कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो चलो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट निकालना है एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है इस कर्व का एट माइनस वन माइनस टू, तो कंसेप्ट कुछ इस तरह से है। तो व्हाट इज dy बाय dx इज इक्वल टू, तो हम डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या है इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 4। तो मैं ऐसे बोलता हूं कि व्हाट इज माय स्लोप m इज डेरिवेटिव एट पॉइंट, ऐसे बॉक्स में लिख के साइड में पॉइंट लिखा मतलब ऐसे पढ़ते हैं, तो डेरिवेटिव का एट द पॉइंट मतलब कैसे 2x प्लस 4 में मुझे x की जगह माइनस वन और y की जगह माइनस टू डालना है। टू बी ऑनेस्ट y तो है ही नहीं यहाँ पे, तो x की जगह माइनस वन डालते हैं तो ये आएगा 2, तो मुझे स्लोप आ गया। तो व्हाट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप सीधा बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज व्हाट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्या है आपके टेंजेंट का पॉइंट, तो आएगा y माइनस कौन से पॉइंट पे, ये पॉइंट पे है, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू m 2 टाइम्स x माइनस माइनस 1, तो x प्लस 1। आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, तो ये आएगा 2x, तो ये 2x में यहां लिख, मतलब ठीक है चलो ऐसे लिख देता हूं, आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके खुद समझ लीजिए, y वहां जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू, ये 2 है ये भी 2 है तो ये 0, तो ये है टेंजेंट का इक्वेशन। नेक्स्ट हम उसी सम में नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालेंगे, नॉर्मल का भी स्लोप निकालेंगे। सो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2, तो व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा माइनस हाफ 2 का रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट y माइनस y माइनस दिस पॉइंट, चलो मैं लिखता हूं फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब प्लीज ये कंफ्यूज मत होना, ये लाइन का इक्वेशन है, इस बार मेरा स्लोप m, इस बार स्लोप क्या है माइनस हाफ, तो ये क्या हो रहा है y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस हाफ x प्लस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके मैं वहां लेके जाता हूं, तो मतलब x वहां जाएगा ये, आप चाहिए तो थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, खुद भी थोड़ा काम किया करो।
और यह आएगा 2, इनफैक्ट ये 4 आएगा और ये प्लस 1, तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0. कुछ एरर्स है तो वेरीफाई कर लेना, ठीक है. तो ये होता है एक तरीका टेंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढने का. कोई भी कर दिया तो भी आप टेंजेंट और नॉर्मल निकाल सकते हो, लाइन का इक्वेशन में निकाल सकते हो. एंड एक पॉइंट अगर मेंशन नहीं है, ये नहीं है, स्टिल आपको स्लोप तो मिल जाता है. इस स्लोप से भी बहुत सारी चीजें होती है आगे. जैसे और एक देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व. थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आपको ये पता चलेगा, ये एस्ट्रॉइड का इक्वेशन होता है पैरामेट्रिक फॉर्म. इंजीनियरिंग में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, अभी के लिए तो ठीक है. यहाँ पे x और y दोनों थीटा के फॉर्म में दिए हैं, a तो कांस्टेंट है और थीटा दिया है. लास्ट टाइम कैसे ने मुझे पॉइंट दिया था, इस बार क्या दिया है, थीटा दिया है. तो जैसे मुझे थीटा मिलेगा, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, मैं निकालता हूं x और y कोऑर्डिनेट. ऐसे चलो मैं x और y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखता हूं. तो थीटा 45 डिग्री, व्हाट इज cos 45, 1/√2. तो ये आएगा a अपॉन 2√2. लकीली ये भी आएगा a अपॉन 2√2 पहले. तो व्हाट इज स्लोप, स्लोप के लिए हम लोगों को लगेगा dy बाई dx. याद है आपको कैसे करते हैं, तो ये आएगा dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा. मतलब y का डेरिवेटिव आएगा a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा अपॉन ये आएगा a 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा. ओके नाउ ये ए गया, 3 गया, एक साइन गया, एक कॉस गया, तो मुझे लगता है माइनस टेन थीटा है. देयरफॉर व्हाट इज स्लोप m, मतलब डीवाई बाई डी एक्स एट आइदर एक्स वाई लिखो या फिर थीटा. ये थीटा के फॉर्म में, तो मैं थीटा इज इक्वल टू 45 लिखूंगा. दैट्स इक्वल टू माइनस टेन 45, दैट्स माइनस 1. देयरफॉर व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ टेंजेंट is what y minus y1, तो ये आ गया a upon 2√2 is equal to m times x minus x1 a upon 2√2. थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस वन वहां जाएगा तो आपको आएगा x plus y is equal to a, ये यहाँ वहां आ जाएगा और ये प्लस है तो 2a upon 2√2, मतलब a by 2. आपको ये सिंप्लीफाई करके खुद देखना है. नेक्स्ट और भी एक है नॉर्मल का इक्वेशन. तो व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल. अगर टेंजेंट का स्लोप माइनस वन है तो नॉर्मल का स्लोप क्या आता है, इसका रेसिप्रोकल इनटू माइनस वन, मतलब वन. तो क्या इक्वेशन आएगा, वाई माइनस ए अपॉन 2√2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस ए अपॉन 2√2. मतलब ये चला जाएगा, तो इट इज जस्ट एक्स इक्वल टू वाई, 45 डिग्री वाली लाइन. तो ये है नॉर्मल का इक्वेशन, ये है टेंजेंट का इक्वेशन. आगे देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन होगा ये. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व. ये सर्कल है, आपको पता है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिस. नाउ ये लाइन है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन. क्या होता है लाइन का स्लोप, माइनस ए बाय बी, मतलब मुझे लगता है 2 होगा. देयरफॉर मुझे मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्या है टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप 2 है. अब मैं इसका डेरिवेटिव मार सकता हूं. देखो मैंने तुम लोग को चाहिए तो इसको ना दो तरीके से दिखाता हूं, बाद में चाहिए तो टेंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन तुम लोग निकाल लोगे, मुझे भरोसा है. बट एटलीस्ट मुझे लगता है स्लोप निकालने के मैं तुम्हें दो तरीके दिखाता हूं. एक तो एक तरीका कुछ इस तरह से है कि मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा. क्या आएगा, 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0. यहां से मुझे dy बाई dx आएगा, क्या आएगा वो, माइनस 2x बाय 2y, राइट. तो माइनस x बाय y. देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, माइनस x बाय y इज इक्वल टू 2, जो आगे जाके बनेगा माइनस x इज इक्वल टू 2y. और अब मैं इसको गिवन इक्वेशन में डालूंगा. क्या था गिवन, तो गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5. कैसे ना, तुम्हें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, मतलब तुम्हें चाहिए स्लोप और तुम्हें चाहिए पॉइंट. तो अगर x इज 2y तो एक्स स्क्वायर का आएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5. इसका मतलब 5y स्क्वायर इक्वल टू 5, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. नाउ व्हेन y इज 1 व्हाट इज x, तो भाई y इज 1 x इज माइनस 2, मतलब तुम्हें पॉइंट मिल गया माइनस 2 कॉमा 1. और व्हेन y इज
माइनस वन तुम्हारा एक्स क्या आएगा, टू, इसका मतलब पॉइंट है टू कॉमा माइनस वन. आपको दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना. अब मैं शायद आपको पढ़ा चुका हूं, पॉइंट है स्लोप पॉइंट फॉर्म से खत्म कीजिए, पॉइंट है स्लोप पॉइंट फॉर्म से खत्म कीजिए. या फिर हमारे पास एक और है, और एक तरीका हो सकता है, जैसे आपको पता चला कि मैंने डेरिवेटिव अपने ट्वेल्थ के मेथड से निकाला, वो खाली फुकट दो वेरिएबल्स में आया, और शायद हर बार ये क्लिक ना हो कि दो वेरिएबल को वापस गिवन कर्व में डालना है. कुछ प्यारे बच्चे होते हैं जो इधर डाल देते हैं, होते ऐसे, और फिर यहाँ पे आपको जीरो आ जाएगा और मार्क्स भी जीरो आएंगे. तो ऐसे केस में ना मैं रेकमेंड करता हूँ कि भाई जो गिवन कर्व है, क्या था गिवन, तो गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव, इजंट इट. तो मैं सीधा बोलता हूँ यहाँ से वाई निकालो सिर्फ एक्स के फॉर्म में, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, फाइव माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है रूट निकाल के. सो क्या आएगा डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स, वो आएगा वन अपॉन टू रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स, ये टू टू गया और वो मुझे पता है टू है, वो टू क्या है डेरिवेटिव, जैसे हमने लास्ट टाइम क्या कंपेयर किया था, डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप होता है, स्लोप तो मुझे पता है. तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू. सिंगल वेरिएबल कैलकुलस ऑलवेज रिकमेंडेड, स्क्वायर करूंगा बोथ साइड्स में तो यह आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर अपॉन वन. अब क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो या नीचे कंपेनेंट बोलो, मतलब नीचे एडिशन होगी, तो नीचे एडिशन होगी मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन इन दोनों की एडिशन फाइव इज इक्वल टू फोर अपॉन इन दोनों की एडिशन फाइव, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस और माइनस टू, और ये x प्लस माइनस टू आप इधर डालेंगे या इधर डालेंगे तो आपको y मिल जाएगा, यहां से आपको पॉइंट्स आ जाता है. तो दैट्स अनदर वे, एज आई सेड एक बार पॉइंट मिल गया स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम काम कंप्लीट करेंगे. ये होमवर्क है, ये कंप्लीट कीजिए. थैंक यू.